और वो कौन सा तबीयत है? और इनके मछली खिलाने से हुआ है। जनाब की जाने वाली है अंबाला, जा सकती है, कोई बात नहीं, अपना घर है, अंबाला जाए, सिवान रहे, पटना जाए, अपना घर है, मायके भी अपना घर है। कुछ अपना आप राय दीजिए, ऐसा लग रहा है कि ढाला खुला हुआ है जिसको। YouTube फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत लोग का क्वेश्चन था कि आपका इंट्रो बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो तेज इस वजह से होता है कि मैं थोड़ा जोर से चिल्ला के बोलता हूँ। यहाँ पर मम्मी है और मम्मी बैठी हुई हैं, इनसे भी थोड़ा बात करना है बहुत ज़रूरी, तो आप लोगों को लास्ट में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या। और मैं बधाई देना भूल गया था, आप लोगों का कमेंट आया था, तो कंग्रेचुलेशन भैया एंड भाभी, और आप लोगों ने जो गाड़ी दिया है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी तो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, नहीं तो हमारा भी गाड़ी अब हम सोच रहे हैं नहीं लेंगे, क्योंकि लगने का जगह ही नहीं बचेगा। एक भैया का लगा हुआ है और उसके पहले भी भैया जो खरीदा था वो है, मेरा जो है अभी कुछ भी नहीं खरीदा है। मैं गरीब हूँ तो देखते हैं कब खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और हम लोग हो सकता है कि बहुत जल्द कहीं जाने वाले हैं, पता नहीं क्यों खुजली हो रहा। अच्छा याद आया गाइस, आज हमारे घर में ना आप मानेंगे नहीं, सब लोगों का तबीयत खराब है। और वो कौन सा तबीयत है? और इनके मछली खिलाने से हुआ है। लूज मोशन, सबको लूज मोशन हो गया, सब लोग का पेट एकदम झड़झड़ा रहा है। लिए गाइस वीडियो को लेके चलते हैं आगे। उसी में बड़ी था। हम तो नहीं खाए अभी मछली को। स्टार्ट करते हैं। अब नाश्ता का टाइम हो चुका है, तो मैं सोची जल्दी जल्दी बना लूँ। तो यहाँ पे कट चुका है परवल, आलू और परवल की भुजिया सब्जी बनेगी, और कटहल का सब्जी। तो कटहल का सब्जी मम्मी जी बोली है कि हम बनाएंगे, बाकी अभी चल रहे भुजिया और रोटी, जल्दी से हम बना देते हैं। और चटनी भी बनेगा आम का, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी परवल, आलू और परवल की भुजिया सब्जी बनेगी। बाकी यहाँ पे प्याज कट चुका है कटहल की सब्जी बनाने के लिए, और यहाँ पे आटा सना चुका है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं बनाते हैं। बाकी आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम धूप भी नहीं निकली है। तो गाइस यहाँ पे सब्जी बन चुका है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी जल्दी जल्दी, ताकि नाश्ता जल्दी से बन जाए, फिर सब लोग करें। बाकी यहाँ का आप लोकेशन देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में बनेगा कटहल की सब्जी, जो कि मम्मी जी बनाएंगी, तो उनके चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। तो गाइस अब नाश्ता वास्ता बन गया है और सब अच्छे से स्लैब वगैरह और गैस वगैरह सब कुछ किए हैं, और यहाँ पर रोटी बन गया। तो अब चलते हैं मम्मी जी से पूछने, नाश्ता करेंगे दे देते हैं, और बाकी अभी घर काम लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे कटहल का सब्जी मम्मी जी बना रही है, और एक साइड दूध रखा गया गर्म होने के, बाकी नाश्ता वगैरह बन चुका है, तो सभी लोग कर लिए, बस मैं मेरे हस्बैंड बचे हुए। तो अब मम्मी जी बोली है पूजा वाले रूम में जाकर, और जो भी मंदिर वगैरह है सारा फोटो वोटो वो सब अच्छे से एक बीच में रख दो, और सबको अच्छे से अरेंज करके रख दो, क्योंकि ये जो दीवार है शायद ये दीवार साइड वो टूटने वाला है। तो अब मैं इसको चल रही हूँ अच्छे से जल्दी से। इधर भी, यहाँ भी, साइड में मंदिर है। तो गाइस सुबह में आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा पत्थर गिर रहा है, अब तो लग रहा है डर कि कहीं टाइल्स ना टूट जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो कहीं कहीं से क्रैक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये अभी ऐसा दिख रहा है,
और ये जब बन जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। मुझे लग रहा है जैसे कि ये कहीं, ये बताइएगा कहाँ पे ऐसा डिज़ाइन आप लोग देखे हैं, हमारे ही घर में कहीं है तो सेम ऐसा ही डिज़ाइन का है, और उसी तरह उधर भी कुछ दूसरा बनने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट रूम हो जाएगा जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये लोग रात में भी कल का थोड़ा बहुत ज़्यादा देर तक काम किए, अब ऐसा लग रहा है इन लोगों को भी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम ख़त्म करके और हम लोग अपना काम कर दें ताकि आप लोगों को देखने को। नंबर बोल दीजिए एक बार जोर से, डाल वीडियो में। नहीं याद है क्या? याद है तो बोलिए। लिखेगा आप बोलिए तो ना। नहीं याद है? याद है। 9 से स्टार्ट होता है, 8 उसके बाद 8-2। मजा आया। अरे क्या पता कहीं कॉल आने लगे, कौन जानता है। कोई बात नहीं, मुझे डाल देना वीडियो में। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सारा मंदिर खाली करना है और ये दीवार को तोड़ना। तो यहाँ पे देखिए सब में भगवान जी का फोटो वगैरह जो भी है सब नीचे उतार कर रखा है। और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं रखूँ तो कहाँ रखूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा काम लगा हुआ है, तो पूरा ये अब ये चलता रहेगा काम। और देखते हैं इसको, इस सामान को कहाँ एडजस्ट करना है और ये मंदिर कहाँ रखना है, बाकी यहाँ पे पालको पान। तो अब पालको मैं कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। और इधर भी पूरा सामान भरा हुआ है, तो मैं कुछ डब्बा वब्बा वो मशीन के नीचे रख दी हूँ और देखती हूँ कि और सामान कहाँ रखना है। जहाँ रखने वाला होगा वहाँ रख देती हैं, बाकी ये मंदिर साइड में हो जाएगा इधर। और ये सब स्पेस जो है वो सबको खाली करते हैं। मंदिर खाली करते हैं और ये जो मंदिर है ये सही उठा कर रखती हैं। अब देखते हैं मंदिर कहाँ उठा कर जाएगा कहाँ, और बाकी वहाँ पे सब फोटो चलते। तो गाइस फाइनली हमारे घर पे आ गए हैं। एयरटेल का जो हमारा उधर काम चल रहा था जो टूट गया था उसी को मैं फ़ोन किया तो तुरंत, इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है वैसे, जब भी बुलाया जाता है तो मतलब आ जाते हैं थोड़ा कहीं भी काम होता है तो करने के बाद। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले एयरटेल वाला यहीं पर सेट कर लेता हूँ, और क्योंकि उधर तो अभी काम चलेगा लगभग 10 दिन से भी ज़्यादा। तो चलिए आगे दिखाते हैं वीडियो को, और इसीलिए ब्लॉग जो है थोड़ा लेट आ रहा है डाटा से अपलोड करते हैं। वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ काम चल रहा है अभी मस्त। इतना पतला सा वायर जो होते हैं इसी से कनेक्ट रहता है। इस मशीन का क्या नाम है? स्प्लाइसिंग स्प्लाइजर। स्प्लाइसर नाम है इसका। स्प्लाइसर ये डिटेक्ट करता है नेट चल रहा है कि नहीं। ये तरह का ऑप्टिकल फाइबर को जॉइंट करता है। इतना ज़्यादा मस्त साड़ी वड़ी पहन के कौन झाड़ू लगाता है भाई, और ये झाड़ू कितना भी लगाए लेकिन कोई भी प्रॉब्लम इसको कोई ये नहीं, क्योंकि अभी देखिए फिर लेबर आएंगे फिर कचड़ा कर देंगे। तो कोई नहीं कर दो पहले सेकंड राउंड के लिए रात में तैयार रहना। यहाँ पे रंजना आज रेस्ट ली है थोड़ा, पता नहीं है ना ऐसा हो गया है ना कि मतलब ये जगी है पर नींद में ऐसा चल रही थी आज। हमको लगा कहाँ पी हो कि आ गई है क्या, बोलती है कि नहीं हल्का लग रहा है शरीर। हम बोले जाओ तब रेस्ट ले लो थोड़ा। तो गाइस एक काम अभी ख़त्म होने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब लेबर मिस्त्री सब गए हुए तो यहाँ पे कपड़ा डला रहे हैं, हम तब देर से चिल्ला रहे हैं कपड़ा। और इतना भारी भारी साड़ी पहन के तुम घूम रही हो घर में, कब जल्दी काम करो आओ जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मम्मी आ चुकी हैं हमारे आज रूम में, और क्यों आई है ताकि यहाँ वाईफाई भी लग गया है अब और अच्छे से बैठी हुई हैं।
मम्मी गाड़ी को लेके आप क्या कहना चाहेंगी और इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी कि आपको कैसा फील हो रहा है कि एक और गाड़ी ले आया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप तो बोली कि गाड़ी तो था ही, तो फिर लेने का क्या मतलब है? अपना कमा रहा है, खरीद रहा है, हम तो ना दे रहे हैं ना हम उनसे हम कुछ पूछ सकते हैं, इसलिए कि गाड़ी ऑलरेडी था ही तो उनको इससे शायद माइलेज बहुत कम मिलता है, 10, 8, 12 का मिलता है, उसमें ज़्यादा मिलेगा इसके वजह से। अब क्या रीज़न है ये तो वो बताएंगे, लेकिन गाड़ी था हम लोग के पास तो 2-3 गाड़ी है तो ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, शायद इसका कुछ और ही प्लान होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या रंजना भी जाने वाली है अंबाला? जा सकती है, कोई बात नहीं, अपना घर है, अंबाला जाए, सिवान रहे, पटना जाए, अपना घर है, मायके भी अपना घर है। कुछ अपना आप राय दीजिए, ऐसा लग रहा है कि ढाला खुला हुआ है। जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, जिसको जो करना है सब लोग अपने मन का। आप कुछ तो गार्जियनशिप दिखाइए मम्मी, ये क्या मतलब है? बच्चे कब तक गार्जियनशिप रहते हैं? गार्जियन कब तक रहते हैं? जब तक माँ बाप पैसा देते हैं, जैसे माँ बाप देना बंद कर देते हैं, बच्चा कमाने लगते हैं, खुद अपने आप को गार्जियन बन जाते हैं। और माँ बाप को बोलेंगे क्या कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दिए, काम ख़त्म, माँ बाप का सोच रहे हैं गाड़ी जो लिए हैं भैया वो हम ले लेते हैं। अब पैसा तो हम लोग को देना नहीं है तुम लोग को, तो तुम लोग अपना कमाओ, अपना झोली भरो, रखो, दो, लो, उड़ाओ, खाओ, पियो, ऐश करो, जो करना है करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, और आस लगा के बैठे हैं कि बूढ़े होंगे लो तो कोनो बेटा करेगा। अब कौन करेगा, किसके नसीब में माँ बाप का हिस्सा होगा, वो समझे भगवान जाने। तो जिसके नसीब में जितना हिस्सा जैसे होगा। पापा और नारायण चाचा के नसीब में माँ बाप का सेवा था, 5 बेटा थे लो, लेकिन 5 जरूरी नहीं है कि सब लोग करते हैं, उसी में एक जन कोई होता है कि जो माँ बाप का लेके चलता है, लेकिन सब लोग का नसीब नहीं होता है माँ बाप का सेवा करना। तो आप इस ब्लॉग में शायद नहीं बोली थी कि कल आपके लिए इतना ज़्यादा रचना जो है वो मतलब मछली बनाई, इस ब्लॉग में नहीं बोली, तो आपको कैसा लगा ये? तो सरप्राइज अच्छा, हम तो नहीं समझ सकते थे कि बनाएगी, कभी नहीं बनाने दिए थे, 5 महीने 6 महीने हो गया। मछली मीट इससे हम नहीं बनवाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं। जब आप सोई थी एक बार तो चिकन बना दी थी। हाँ, तो उस दिन लेट हो गया था, 1:30 बज गया था, तो हम जाकर सो गए थे, तो ये बनाई थी अपना, और एक दिन बना कर सचिन को खिलाई थी, तो हम अब छोड़ दिए, एक बार बना रहा लो तो उसमें भी रोकेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसीलिए। और मछली अपने मन से बनाई है, अच्छा बनाई थी, लग रहा था कि पहले से भी बनाना सीखी है, तभी वैसे मछली बनेगा, मछली सबसे नहीं बनता है, तो मछली ठीक बनाई थी, तो उसके लिए थैंक यू है उसको। और इसी तरह घर का अपना देखे, और ये नहीं है कि खाली घर में रहे। ये तो, मछली को जला रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जलाया जाता है, देखी होगी मेरा बनाया हुआ, तो इससे आप क्या बोलना चाहेंगी? हम जैसे बनाते हैं उसी तरह बनाई होगी, मेरे ही देखी होगी, पूछ लो उससे। तो आपको कैसा लगा जला के? अच्छा है, हम वही चाह रहे हैं कि हम जैसे काम करते हैं वैसे वो करें और उसी तरह रहे, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना है, तो गाइस हम इस उम्र में अपना ब्लॉग भी बना लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, सब करते हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई भी जगह, कोई भी क्षेत्र में कोई पीछे ना रहे, बहू हो लो तो बहू लोग को भी आगे होना चाहिए, करना तो चाहिए। अभी आप लोग को बता देते हैं कि बहुत जल्द हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं, रंजना भी हम लोग के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि शायद ही जा पाएगी, क्योंकि इसको जाना है कहीं और हम लोगों को जाना है कहीं, कोई ठीक नहीं है, जाएंगे नहीं जा सकते। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अभी देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है।